ग्रीटिंग्स टू एवरी वन। लास्ट टाइम हमने LCR सर्किट को डिस्कस किया था, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट वन। और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से LCR सर्किट जो है वो चार्जिंग के लिए कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हमने फाइंड आउट करा, तीन डिफरेंट केस हमारे पास थे और उनको हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें साइन या कॉस टर्म है तो वो हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा, जिसमें एक्सपोनेंशियल है वो इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल की पावर के साथ कुछ वैल्यू है तो वो लेट ग्रो कर रहा है, जिसमें कम है तो वो जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने करंट की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट किया और ये देखा कि करंट की वैल्यू में भी साइन टर्म्स और एक्सपोनेंशियल दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो करंट भी जो है वो सर्किट के अंदर कैपेसिटर की चार्जिंग में ऑसिलेटरी होता है, इज आल्सो ऑसिलेटरी। ठीक है, यानी कैपेसिटर के साथ साथ करंट की वैल्यू भी जो है वो ऑसिलेटरी है चार्जिंग के अंदर। तो आज हम डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे और जैसे मैंने बताया कि ये चार्जिंग कैपेसिटर के ही तीन हमारे वीडियो कंप्लीट हो गए हैं उसके अंदर। तो डिस्चार्जिंग के लिए अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक को एक तरीके से क्विकली लेंगे, ताकि जो हमने किया है लास्ट वो एज इट इज़ उसमें यूज़ होने वाला है। इक्वेशंस भी काफ़ी कुछ उसी तरीके से बनेंगे, सिर्फ चेंज क्या रहेगा, इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो लास्ट में जा कर के चेंज होनी है। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन LCR सर्किट। थोड़ा सा क्विक रिव्यू देखना है हमने, तो अब तीन की बजाय कोशिश करेंगे दो वीडियो के अंदर कवर हो जाए हमारा, क्योंकि वही सब कुछ रिवाइज होना है उसमें, वही सब कुछ उसमें वैल्यूज बननी है, वही इक्वेशंस हमारे पास आनी है। देन डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट। ठीक है, लेट अस सी। सर्किट डायग्राम भी सेम है हमारा, LCR बोथ आर इन सीरीज विद अ सोर्स ऑफ EMF E। With the help of this Morse key, this L, C and R, EMF battery के साथ। Now in this case we are discussing the discharging of the capacitor, and when we are discussing the discharging of the capacitor then we have to remove the key plug between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में लगा हुआ था पहले जब हमने चार्जिंग की थी, क्योंकि EMF को इन्वॉल्व करना था, कैपेसिटर को चार्ज करना था, तो L के साथ R के साथ कैपेसिटर की चार्जिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू बी डिस्चार्ज इट, एंड व्हेन वी हैव टू बी डिस्चार्ज इट देन इट इज़ डिसकनेक्टेड बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 और कनेक्ट बिटवीन दिस पॉइंट 3 एंड 4। ठीक है, डिसकनेक्ट कर दिया 1 और 2 के बीच में, ताकि EMF E जो है बैटरी का वो रिमूव हो जाए सर्किट से। और जब EMF E बैटरी का रिमूव हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटर के अंदर एकदम से जो सोर्स था वो अब करंट और EMF की वैल्यू एकदम से जीरो बना देगा। और जब EMF और करंट दोनों जीरो बन जाएंगे हमारे पास सर्किट के अंदर, तब हमने इसकी डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर और थ्रू द रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। जब 1 और 2 के बीच में था, EMF E इन्वॉल्व था, अब 1 और 2 हट गया, 3 और 4 के बीच में आ गया, तो EMF सोर्स हो हट चुका है हमारा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 और 2 के वजह से थी, तो उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। और जब उसकी वैल्यू जीरो हो गई, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज द इफेक्टिव EMF, द इफेक्टिव EMF
across the circuit is zero as the key is removed. जैसे ही की को रिमूव करते हैं इफेक्टिव ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी. और नाउ वी कैन राइट दिस वैल्यू एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. सिर्फ वहां पर हमारे पास ई की वैल्यू थी, यहाँ ई हमने उसको रिप्रेजेंट करा था. और वी आर डिस्कसिंग डिस्चार्जिंग, तो सबको चार्ज में चेंज कर देंगे. I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है डी क्यू बाई डी टी. सो दिस टर्म बिकम एल डी. आई की जगह डिफ्रेंशिएशन हो गया डबल डी क्यू डी टी स्क्र प्लस क्यू बाई सी एज इट इज प्लस आर एज इट इज एंड दिस इज डी क्यू बाई डी टी एंड टोटल इक्वल टू जीरो हमारे पास आ गया है. ठीक है, अगेन एल को यहाँ से रिमूव करते हैं. डी स्क्र क्यू डी टी स्क्र प्लस इस टर्म को मैं इसके बाद लिख रहा हूँ क्योंकि सेकेंड है. फिर हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल ऑर्डर और आर बाय एल. एल यहाँ से हटा दिया कि एल से डिवाइड कर दिया एक तरीके से. क्यू अपॉन एल सी दिस इज इक्वल टू जीरो. सीक्वेंस में लिख दिया सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड देन कॉन्स्टेंट वैल्यू. ठीक है, एल से दोनों को मतलब सारी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दिया है. उसी तरह से R बाय एल आ गया और 1 बाय एल सी आ गया. इनको लेट कर लेते हैं. लेट R बाय एल क्या कंसिडर किया था 2B और 1 बाय एल सी को हमने कंसिडर किया था ओमेगा स्क्वेयर. सो दिस इक्वेशन बिकम इक्वेशन 1 बिकम्स डी स्क्वेयर क्यू डी टी स्क्वेयर प्लस R बाय एल इज 2B डी क्यू बाय डी टी प्लस 1 बाय एल सी की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. अब देखो लास्ट टर्म जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ कुछ वैल्यू थी हमारी ई की. फिर ई को हमने यहाँ कंसिडर किया यानी इस तरफ लेकर आए. फिर उस वैल्यू को एक्स कंसिडर किया और सारी इक्वेशन को एक्स में फिर चेंज करा था. लेकिन अब यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है हमारी तो इसमें यहाँ लाने की जरूरत नहीं और इसको एक्स में बदलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये सेकेंड ऑर्डर में क्यू है, फर्स्ट ऑर्डर में क्यू है और कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हमारे पास एक तरीके से क्यू में आ चुकी है. तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और वी कैन फाइंड दिस जनरल सोल्यूशन. दिस इज सेकेंड ऑर्डर differential equation. So let its trial solution. हम इसका trial solution consider कर लेते हैं. Solution का मतलब इसके अंदर जो variable है उसकी value is, अब variable x नहीं है q है तो q को मान लेते हैं. जैसे x को consider किया था a into e की power alpha t. x की value यहाँ पर हमने यही चीज़ consider किया था. ठीक है, लेकिन अब वेरिएबल क्यू में है सारी इक्वेशन तो क्यू को रिप्रेजेंट कर दिया. डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं. डी क्यू बाई डी टी ए एज इट इज अल्फा आ जाएगा ई की पावर अल्फा इंटू टी और डी स्क्वेयर क्यू डी टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए. ठीक है, इंटू में दिस इज अल्फा स्क्वेयर ई की पावर अल्फा इंटू टी. तो तीनों वेरिएबल्स के लिए हमने क्यू को फाइंड आउट कर दिया. तो वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू के अंदर. डी स्क्वेयर क्यू डी टी की वैल्यू कितनी है हमारी, दिस वन ए अल्फा स्क्वेयर ई की पावर अल्फा टी प्लस टू बी ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वेयर और ए ई की पावर अल्फा इंटू टी दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आ सकता है लिस्ट कॉमन आएगा, इसमें ए कॉमन आएगा और ई की पावर अल्फा इंटू टी कॉमन आ गया. तो यहां पर क्या बचा हमारे पास अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस टू बी. ठीक है, सॉरी ये कॉमन आ चुका है. अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी इंटू अल्फा प्लस यहाँ पर क्या बच गया ओमेगा स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा. अपने आप में जीरो नहीं है ये,
यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई होने पर जीरो नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो ये वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज e की पावर अल्फा टी एंड a बोथ आर नॉट जीरो, ये जीरो नहीं हो सकते। अब ये जीरो नहीं है लेकिन दूसरी तरफ जाकर के अपॉन में जीरो हो रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगेन वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास इसके रूट्स होंगे। द इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक, द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, सो इट्स रूट्स इज गिवन बाय, बिल्कुल उसी तरीके से चलना है, गिवन बाय, चेंज होगा तो लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा सिर्फ। क्या रूट होते हैं, अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस बी होता है, और बी की जगह हमारे पास क्या है वैल्यू यहां पर 2b, ठीक है, प्लस सॉरी यहां माइनस आएगा, माइनस में बी प्लस माइनस बी स्केयर, बी स्केयर का मतलब हो गया दिस वन, ठीक है, माइनस 4, ए की जगह कितना है 1 और सी की जगह कितना है ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ए, ए की जगह अगेन कितना है 1। अब यहां से 4 कॉमन स्केयर रूट में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 सब में कॉमन आ गया तो बाहर ले लेते हैं और 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हैं, सो इक्वेशन बिकम माइनस प्लस यहां पर आ गया बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर और 2 भी कैंसिल हो गया हमारा, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है इसको हमने क्यू के अंदर पुट कर देना है, सो दैट वी कैन गेट द ट्रायल सॉल्यूशन रिजल्ट। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन क्यू बिकम्स ए इंटू ई की पावर क्या था हमारे पास अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर और इंटू में टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, अब ये जो क्यू आ गया है हमारे पास इसमें हमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि इसके ट्रायल सॉल्यूशन एक नहीं होगा, ट्रायल सॉल्यूशन पहले हमने सिर्फ इसको क्यू कंसीडर करके किया है, अब इसका ट्रायल सॉल्यूशन सिर्फ क्यू में नहीं होगा, दो रिजल्ट होंगे, एक कॉन्स्टेंट ए वन मान लेते हैं, दूसरा कॉन्स्टेंट ए टू मान लेते हैं। द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय तो क्यू की वैल्यू दो हो जाएंगी, ए वन ई की पावर माइनस बी एक बार प्लस में बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इंटू में टी, ठीक है, प्लस ए टू ई की पावर माइनस बी माइनस बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इंटू में टी। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ए वन निकालना है और ए टू, सो दैट वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट ट्रायल सॉल्यूशन। और ए वन और ए टू निकालने के लिए पिछली बार की तरह इसमें भी हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशंस लगा देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड ए वन एंड ए टू लेट अस मेक यूज ऑफ इनिशियल कंडीशंस का मतलब क्या है कि जब टाइम जीरो है अब देखना ध्यान से, ठीक है, टाइम जीरो है तो कैपेसिटर फुली चार्ज है क्योंकि हमने रिमूव करना है की को, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट,
लगा दो अब इसमें, ए की वैल्यू तो पुट कर दो जीरो, ई की पावर जीरो क्या होगा वन, अगेन ई की पावर जीरो क्या होगा वन, तो क्यू की जगह क्या आ गया क्यू नॉट। इक्वेशन नाम दे दो इसको, थ्री बन रही है तो थ्री दे देते हैं अभी, ठीक है। आप लोग ध्यान रख लेना कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि मुझे फिर बार बार पेज नहीं बदलना पड़ेगा, मैं अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से थर्ड है तो थर्ड रख रहा हूँ मैं इसको। इक्वेशन थ्री बिकम्स, क्यू की जगह आ गया क्यू नॉट, ए वन, ये सारी वैल्यू ई की पावर जीरो वन हो गया, प्लस ए टू, और ये सारी वैल्यू भी क्या हो गई ई की पावर जीरो वन। एक तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया है, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट और फाइंड आउट करें, ताकि इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके ए वन और ए टू को फाइंड आउट किया जा सके। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी, दिस इज इक्वल टू ई की पावर समथिंग, कुछ भी होता है ए वन इन टू, जो भी है वो आगे चला गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर, माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, ई की पावर एज इट इज, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इन टू में टी, ठीक है, प्लस ए टू ई की पावर जो भी है, माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और ई की पावर माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इन टू में टी, ठीक है। अब यहाँ भी इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हैं, नाउ मेक इनिशियल कंडीशंस, व्हेन टाइम इज जीरो, कैपेसिटर फुली चार्ज है, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो चार्ज का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी वैल्यू या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, कांस्टेंट हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है, सो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, और अगेन ई की पावर जीरो वन, ई की पावर जीरो इज वन। तो ए वन के साथ हमें मिल गया माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, प्लस ए टू माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा टू स्क्वेयर, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, बी दोनों में है तो बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस बी को कॉमन ले लिया, ये आ गया ए वन प्लस ए टू, ठीक है, ए वन प्लस ए टू, ऐसे ही बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, इसमें से भी इसको हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर कॉमन ले लिया, ठीक है। ए वन इसके साथ जाएगा तो प्लस का है, लेकिन ए टू इसके साथ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। अब ए वन प्लस ए टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू नॉट, तो ए वन प्लस ए टू क्यू नॉट को यहां पुट कर देते हैं, फ्रॉम अबोव क्यू नॉट इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, ठीक है। तो ये जीरो है हमारे पास सारा कुछ, दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यू नॉट प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए वन माइनस ए टू आ गया। हमने निकालना क्या है, ए वन माइनस ए टू, तो निकाल देते हैं इसको, ए वन माइनस ए टू दिस इज इक्वल टू, ये इधर आ गया बी क्यू नॉट, और जो इसके साथ था वो डिवाइड में चला गया, बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, एक ऊपर रिजल्ट था, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि हमें ए वन और ए टू फाइंड आउट हो सके। एडिंग, इनको नाम दे सकते हैं आप, इक्वेशन फोर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव, फोर एंड फाइव, जैसे ही ऐड करेंगे फोर और फाइव को, तो ए टू से ए टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए वन कितने हो गए, टू ए वन, दिस इज इक्वल टू, इसमें लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट ऐड हो गया, क्यू नॉट प्लस बी क्यू नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। तो ए वन निकालना है तो ए वन को निकाल देते हैं, क्यू नॉट को कॉमन ले लो, वन प्लस बी ओवर बी स्क्वेयर
माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो 2 था वो इसके नीचे चला गया ये वाला. वी गेट द वैल्यू ऑफ ए वन. अगर ए टू को फाइंड आउट करना है, ए टू को इन दोनों में से, तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4, ठीक है, कोई सा कोई से में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब मैं सीधा ही रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना इसको. ए टू दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर. रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं है जो अब तक हमने किए हैं लास्ट आर्टिकल के साथ साथ, ठीक है. ये ध्यान रखना है कि एक बार ए वन जब निकाल रहे हैं तो प्लस के साथ आएगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ए वन प्लस और ए टू के साथ क्या है, माइनस. तो रिजल्ट यहाँ भी कितने में आएगा, ए टू के साथ माइनस में आएगा. अब ये ए वन और ए टू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दो, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फाइनल डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. Putting the value of A1 and A2 in equation number 3. जैसे 3 में put करेंगे तो Q is equal to आ जाएगा, ठीक है. अब ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है. A1 value क्या है हमारे पास, Q not divided by 2, 1 plus B over B square minus omega square, ठीक है. E की power एज इट इज हमने रख लेना है उसको, e की पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में टी प्लस ए टू का रिजल्ट कितना है हमारे पास, ठीक है. ए टू है हमारे पास क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस बी ओवर बी स्क्वेयर माइनस में ओमेगा स्क्वेयर, और e की पावर माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर और इनटू में टी, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू द इंडक्टर, ठीक है. दिस इक्वेशन नंबर 6 नाम दे रहे हैं हम इसको. दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट, ठीक है. और ये LCR सर्किट की जनरल एक्सप्रेशन आ गई. ये LCR सर्किट का जो जनरल एक्सप्रेशन है ये इन वैल्यूज पर दोबारा से डिपेंड कर रहा है, किस किस पर, बी और ओमेगा पर, बी और ओमेगा पर. तो अगेन वी हैव द डिफरेंट केसेस फॉर बी एंड ओमेगा वैल्यू, सो we are getting the exact situation from which we can find the discharging of the capacitor, ठीक है. तो अभी next video के अंदर अभी जो है इसकी discharging को different case के साथ, जिसमें B और omega दोनों value पर dependent है, ये उसको discuss करते हैं. Thank you.